हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमने यहाँ पे बनाई है मटन नली नेहारी। ये बहुत ही मज़े की बनती है। इसको हमने होममेड मसाले के साथ बनाया है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको कैसे बनाया जाता है। नेहारी बनाने के लिए फ्रेंड हमने यहाँ पे लिया है 1¼ कप ऑयल, और ये 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज थे उनको हमने ब्राउन कर लिया है स्लाइस करके, और ये मटन लिया है हमने बोन का, हड्डी वाला, नली वाला। इसी की निहारी बहुत मज़े की बनती है। 1 कप दही है, और ये 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है। ये हमारा होममेड निहारी मसाला है 4 टेबल स्पून। ये हमारी लाल मिर्च पाउडर है, ये हमारी कश्मीरी मिर्च पाउडर है, ये 1 टेबल स्पून है, ये 1/2 टीस्पून है, और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे लिया है नमक, और 1/2 टीस्पून ली है हल्दी। तो चले बनाना शुरू करते हैं। पैन में हम शामिल करेंगे फ्रेंड्स ये ऑयल लिया है हमने 1¼ कप। इसी में हमने प्याज को अच्छा सा फ्राई कर लिया था, ये वही ऑयल है। अच्छा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे ये लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। देखिए फ्रेंड, ये ऑयल हमारा कुकर में अच्छा सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें शामिल करते हैं ये लहसुन और अदरक का, हरी मिर्चों का पेस्ट। इसको यहाँ पे अच्छा सा हम सौते करेंगे, ये सारा इसमें उबल जाएगा। इसको अच्छा सा सौते करने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे ये सारा मटन। मटन को जो है ऑयल में लहसुन और प्याज और हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ अच्छा सा फ्राई करेंगे, ठीक है। ये इसको हम कुकर में बनाएंगे। ये कुकर में बहुत इजी बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। इसको अच्छा सा सौते कर लें हम, तो फिर हम इसमें शामिल करते हैं ये सारा मटन। देखिए फ्रेंड, ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये हमारा अच्छा सा सौते हो गया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये सारा मटन। इस मटन को हम इसके साथ अच्छा सा भून लेंगे ऐसे। इसको अच्छा सा इसके साथ बहुत अच्छा सा भूनेंगे। तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट लगेंगे भूनने में, और अच्छा सा भून के तो फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, ये मटन यहाँ पे बहुत अच्छा सा भून चुका है। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा इसका कलर कितना अच्छा चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पे इसमें जाएगा ये सारा हमारा मसाला जो हमने रेडी किया था, वो जाएगा इसके अंदर। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ये प्याज। ये सारा प्याज इसके अंदर चला जाएगा। इसको अच्छा सा भून लेंगे इसको। यहाँ पे हमने 2 से 2.5 लीटर पानी रखा हुआ है उबलने के लिए। ये बॉईल हो रहा है, ये सारा बोन के मटन को ये सारा पानी इसके अंदर जाएगा, या उतना जाएगा जितनी आपने इसके अंदर ग्रेवी बनानी है। इसको अच्छा सा भून लेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे दही। ये 1 कप दही है, ये शामिल करेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके। फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर देंगे, दही डालते वक्त फ्लेम स्लो कर देना चाहिए। इसको अच्छा सा भून के तो फिर हम आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड, ये मटन हमारा अच्छा सा भून चुका है। ये देखिए, ये हमारी दरदरी सी ग्रेवी अंदर इसके तैयार है। ये सारा मसाला और मटन बहुत अच्छा सा भून गया है। ये बहुत अच्छे, इसने ऑयल भी छोड़ दिया है, ये देखिए। अब ये जो पानी बॉयल हो रहा है फ्रेंड, इसका फ्लेम हम कर देंगे ऑफ, और ये पानी सारा जो है वो इसके अंदर जाएगा। ये चला गया इसके अंदर, ये देखिए। साथ ही इसको बॉयल आना शुरू हो गया है। ये थोड़ा सा उबल जाए तो फिर हम इसका जो है ये जो शोरबा है इसके अंदर, ये अच्छा सा बॉयल होना शुरू हो जाए तो फिर हम इसका जो ढकना है कुकर का वो बंद कर देंगे, और इसको कमोबेश 20 मिनट पकाएंगे।
विसल घूमने के बाद इसको 20 मिनट पकाएंगे और फिर हम बताएंगे आपको कि इसको क्या करना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे विसल घूमना शुरू हो गया है, तो अब हम इसको अब 20 मिनट के लिए ये इसको पकने देंगे। उसके बाद हम इसका ढकना खोल के आपको चेक कराएंगे और फिर बताएंगे कि क्या करना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 20 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये निहारी हमारी अच्छी से बन के रेडी है। गोश्त को चेक कर लेते हैं, गोश्त भी अच्छा सा टेंडर हो चुका है। अब हम इसके अंदर इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे आटा। हम नॉर्मल गेहूं का आटा इसमें शामिल करेंगे, उसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था, हल्का सा भून लिया था। इसको यहाँ पे कवर करते हैं और आटे का घोल बनाते हैं। फ्रेंड, ये 1/4 कप हमने गंदम का आटा लिया है, इसको हमने तवे पे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। इसको पानी शामिल करके हम इसके अंदर इसका घोल बनाएंगे और इसको निहारी में थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर देंगे। ये देखिए घोल बना ले इसका, तो फिर हम आपको इसको निहारी में शामिल करते हुए दिखाते हैं। ये निहारी यहाँ पे हमारी पक रही है, तो अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ये आटा शामिल करेंगे। एकदम से सारा नहीं शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाए। ऐसे सारा इसके अंदर ये थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर देंगे और इसको फिर 10 से 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड, अब आटा उतना शामिल कीजिए जितनी आपको थिक रखनी है ये अपनी निहारी। देखिए फ्रेंड, ये निहारी यहाँ पे हमारी पकना शुरू हो गई है आटे के साथ, तो अब इसका हम फ्लेम स्लो कर देंगे और इसको 10-15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे ताकि ये आटा अच्छा सा पक जाए, ये ग्रेवी अच्छी सी पक जाए और इसके ऊपर सारा जो है वो ऑयल इसके ऊपर आ जाए। इसको हम कवर करके छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड, ये माशाल्लाह हमारी मटन नली निहारी बन के रेडी है। ये एक दफ़ा आटा डालने से इसका जो ऑयल था सारा ख़त्म हो गया था, लेकिन अब इसको स्लो फ्लेम पे दम पे छोड़ा तो ये दोबारा वापस सारा रोगन ऊपर आ गया है। यहाँ पे अब हम इसका फ्लेम जो है वो ऑफ करते हैं और आपको इसको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मटन नली निहारी बन के रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई करें होममेड मसाले के साथ। तो फ्रेंड, आपको अगर मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।